अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद दीन में आप सभी का खैर मकदम है। हिजाब को लेकर किस तरह से एक नफरत का जहर माशरे में फैलाया जा रहा है, इसकी एक और मिसाल आज देख सकते हैं कि अलीगढ़, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में बुरके को भारत माता की जय कहते हुए जला दिया गया, नजर आतिश कर दिया गया। मतलब इसके पीछे वो जानबूझकर इस मामले को इतना सुलगता रखना चाहते हैं ताकि उनको सियासी मुफाद हासिल हो सके। हिजाब मामला मुस्तकिल जारी है, सभी जानते हैं कि महज सियासी मुफाद हासिल करने के लिए या फिर एक समाज को जानबूझकर हिरासा करने के लिए हिजाब मामले को तूल दिया जा रहा है। दरअसल हिजाब मामला कहना ही गलत है, क्योंकि केसरी शाल अचानक पहनकर माहौल को आलूदा बनाने वाले कौन थे? एबीवीपी किस सियासी पार्टी से मंसूब है? लेकिन इसे हर रोज बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अदालत का फैसला आना बाकी है और शायद इसमें वक्त भी लग सकता है, लिहाजा कुछ कॉलेजेस अब नरमी इख्तियार करते हुए भी देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एहतजाज करने वालों पर मुकदमे भी दायर किए जा रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक मैसूर के कॉलेज में हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। कॉलेज ने साथ में ड्रेस कोड को भी खत्म करने की बात कही जा रही है। कल बेलगाम में भी पैरामेडिकल कॉलेज में जिस तरह हंगामा हुआ और बच्चों के घर वालों ने महज ओढ़नी या दुपट्टा ओढ़कर बैठने की गुजारिश की थी, लेकिन कहीं तो इसमें गलत फहमियाँ है या जानबूझकर इस तरह रवैया इख्तियार किया जा रहा है, समझने की जरूरत है। इस मसले को ऐसे वक्त में उछाला गया है कि जब इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं, एक तरफ इंतजामिया कुछ कहती है तो कॉलेज के जिम्मेदार कुछ कहते देखा जा रहा है। लड़कियों को कॉलेज के अंदर तक पर्दे के साथ दाखिल होने की बात तो कही जा रही है, पर जब कॉलेज में लड़कियां पहुंचती हैं तो इन्हें बाहर कर दिया जाता है और पहले से ही मीडिया मौजूद रहती है। क्या मसले को इतना बड़ा बनाने से पहले कॉलेज इंतजामिया प्रिंसिपल बैठकर मामले को सुलझा नहीं सकते थे? लेकिन अदालत के फैसले की दलील देते हुए दुपट्टा तक पहनने ना देना क्या वाकई दुरुस्त है, या हुकूमत को या अक्सरियत तबके को खुश करने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं? महज हिजाब को लेकर तुलबा पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं या जहनी कश्मकश में मुलविस है? कुल मिलाकर नुकसान तुलबाओं का हो रहा है और खासकर मुस्लिम लड़कियों का जो हमेशा हिजाब में रहती है। आपने ये भी देखा होगा कि कॉलेज के गेटों पर बुरखा निकालने के लिए कहा गया और बुरखा निकालने की वीडियोस को वायरल भी किया गया। अदालत से अब तक फैसला नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने तो चुनाव खत्म होने तक हिजाब का मामला चलता ही रहेगा कहा। वही अब बिंदी कुमकुम और सरस्वती पूजा या गणेश की पूजा या तस्वीरें लगाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक के टुमकुर में लड़कियों ने हिजाब पर एहतजाज किया था, अब इन लड़कियों पर भी मुकदमे दायर किए गए। क्या जिन लड़कियों ने हिजाब को लेकर एहतजाज किया तो इन पर भी मुकदमे दायर करना गोया इंतजामिया पर ही सवाल खड़े करने के बराबर है। टुमकुर की 10 लड़कियों पर एहतजाज करने पर मुकदमे दायर करना एक तरह से लोकतांत्रिक ढांचे पर भी सवालिया निशान हो सकता है, क्योंकि एहतजाज भी लोकतंत्र का हिस्सा है। खैर, कुल मिलाकर मामला अब भी सुलगता नजर आ रहा है। क्या वाकई चुनाव के मद्देनजर ही इसे बढ़ावा दिया जा रहा है? वहीं दूसरी ओर हिजाब को बाहरी मुल्कों से शय मिलने की बात भाजपा और फिरका परस्त ताकतें कर रहे, साथ में मीडिया भी इस तरह के प्रोपोगंडे बनाने में उनकी हिमायत करती नजर आ रही है। मतलब हर मामले को हिंदू मुस्लिम पर ला खड़ा कर दिया जाए। हाल ही में 2008 अहमदाबाद धमाके का फैसला आया जिसमें 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, 11 अफराधों को उम्र कैद दी गई। यकीनन जो भी जुर्म करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। कोई भी मुसलमान धमाकों की हिमायत नहीं करता, ना पहले किया और ना आगे करेगा। लेकिन वही दूसरी ओर गुजरात फसाद के मद्देनजर 8000 से भी ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, सैकड़ों औरतों की अस्मत रेजी की गई और कत्लेआम करने के बाद अपने आप को महाराणा प्रताप समझने वाले बाबू बजरंगी, जिसने खुद कत्लेआम करने की बात खुलेआम कबूल की थी लेकिन फांसी तो दूर की बात, इन्हें जमानत पर रिहा किया और सभी खुलेआम घूम रहे हैं। अब इस फैसले को भी चुनाव के मद्देनजर लिया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों के साथ हमने कैसे सख्ती से काम लिया और सजा दिलाई, वाजह रहे कि एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा देना मुल्क की तारीख में पहली बार कहा जा रहा है। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के तौर पर देखा जा रहा है। जुर्म कोई भी करे, इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। अगर अहमदाबाद धमाकों के मुजरिमों को सजा दी गई है तो गुजरात फसाद वालों को क्यों जमानत दी जाती है? मतलब इंसाफ के तराजू का तवाजन बरकरार होना जरूरी है। हिजाब मामला भी अब शक के दायरे में आता दिखाई दे रहा है। जानबूझकर केसरी शाल को पहनकर आने वाले यूं ही अचानक नहीं आए, बल्कि इसके पीछे साजिश है और जानबूझकर मामले को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम नफरत के सहारे इख्तदार हासिल कर सके। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। माता की जय।